क्या करे। आप यहाँ क्यों? तुम मुझे याद देख के इतनी हैरान क्यों हो रही हो? आपका सर यहाँ आना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही। जरा तुम ना बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही होती हो। हालांकि जिंदगी में कई चीजें ऐसी हैं जो अनएक्सपेक्टेड हैं। बैठने का नहीं कहोगे खड़ी? अरे आप बताइए आप यहाँ क्यों आई हैं? आने का मकसद? तुम्हारी वो अब्बाज सौतन कहाँ है? आज तो मैं उन्हीं से मिलने आई हूँ, बल्कि आज तो मैं इस घर के सारे अफराद से मिलूंगी। इस घर के अफराद बहुत बिजी हैं, इस तरह किसी से नहीं मिलते। उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है भाभी, और उसके बाद भी वो ये डिसाइड करते हैं कि वो मिलेंगे या अपॉइंटमेंट कैंसिल करेंगे, समझिए आप। अच्छा, तो इसका मतलब है साफ लफ्जों में तुम ये कह रही हो कि इस घर के लोग हमसे मिल ही नहीं सकते? वाह, बड़े घर में रहने के तौर तरीके तो तुमने बड़ी जल्दी सीख लिए। क्या आने का मकसद? क्यों आई हैं आप? आई तो मैं मुबारकबाद देने थी। मैंने सुना है तुमने उष्णा और शहरोज की शादी का फैसला कर लिया है। भाई वाह, तुमने अपनी ले पालक बेटी को इस घर में लाके उसकी किस्मत ही खोल दी। क्या बात है, मोहब्बत हो तो ऐसी। लेकिन जब तुम अपनी उस ले पालक बेटी को इस घर में बसाने का ख्वाब देख रही थी, तो यकीनन तुमने इस घर के लोगों को उसकी असलियत भी बता दी होगी, है ना? कि उसकी रगों में किसी शरीफ माँ का खून है। बस यही हकीकत सुनाने आई हूँ मैं सबको, बस। भाभी, मैं अच्छी तरह से आपकी खसलत को जानती हूँ। दूसरी की कमजोरी को इस्तेमाल करके अपने मकसद को पूरा करने की पुरानी आदत है आपकी। वही तो, इसीलिए मैंने ये हकीकत पहले से ही सबको बता दी है, ताकि आपको बताने की जहमत ना हो। अच्छा चलो, मान लिया कि तुमने किसी ना किसी तरह इस घर के लोगों को मुतमईन कर दिया है, लेकिन उष्णा को उसको बता दी है ना असलियत? या नहीं? यकीनन नहीं बताई होगी ना। पता है मुझे, वरना तो वो तूफान नहीं उठा देती। इसलिए मैं तुम्हारे पास एक डील लेकर आई हूं। कैसी डील? तुम शहरोज को मेरी सदफ के लिए राजी कर लो, और मैं तुम्हारी ले पालक बेटी को अपने सुफियान की दुल्हन बना दूंगी। भूल जाऊंगी सब कुछ, कि उसका पास्ट क्या है, वो कहां से आई क्या है, सब भूल जाऊंगी। भाभी बनता तो नहीं है, लेकिन फिर भी एहतराम से कह रही हूं कि आप चली जाइए यहां से फौरन। मतलब तुम खेल बिगाड़ना चाहती हो? रिश्तों को खेल आप जैसे लोग बनाते हैं, रिश्तों पर सौदाबाजी आप जैसे लोग करते हैं। बेहतर है कि आप यहां से फौरन चली जाएं, इससे पहले कि मैं ये भूल जाऊं कि आपके और मेरे दरमियान में रिश्ता क्या है। चली जाइए यहां से। पछताओगी सर, तुम उस लड़की के लिए मुझसे दुश्मनी कर रही हो। एक दिन वही बेटी तुम्हें कठेरे में खड़ा कर देगी, तब देखूंगी मैं तुम्हारा घमंड। Assalamualaikum everyone. Please subscribe to AirWire Digital's YouTube channel and stay connected to all the news and updates.